चलिए दोस्तों, तो अब हम आज इस वीडियो में जो क्वेश्चन समझेंगे और सीखेंगे दोस्तों, वो है द सॉलिटरी रीपर के। दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एक कविताएं मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में दोस्तों थोड़ा सा इक्विपमेंट्स का अभाव है, वरना मैं आपको बताता कि पोइट्री कैसे पढ़ी जाती है। मैं वास्तव में आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना चाहता था, लेकिन क्या करूं, अभी मेरे पास साधन का बहुत अभाव है, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूं। वरना लिटरेचर दोस्तों क्या होता है, कैसे पढ़ा जाता है, मैं आपको बड़ी डिटेल से बहुत अच्छे से समझाता और आपको लगता कि हाँ वास्तव में साहित्य को इस तरह से ही पढ़ना चाहिए। बड़ा कमी महसूस करता हूँ दोस्तों, काश जल्दी से वो दिन आए जब मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर मैं पढ़ाऊं। मेरा बहुत मन है कि मैं उस पर बहुत अच्छे से प्रत्येक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए आपको हर चीज समझाऊं, ताकि आपका जो नंबर है वो नंबर तो सिलेक्शन तो आपका हो ही, साथ में आपका साहित्य के साथ जुड़ाव भी हो जाए। तो आइए इन खराब बातों को छोड़ते हैं, इन दर्द भरी यादों को भी छोड़ते हैं और बात करते हैं द सॉलिटरी रीपर की। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जैसा कि सभी वीडियोस में आपको बता रहा हूं दोस्तों कि इसमें सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जो सीजन है दोस्तों वो ऑटम सीजन, इसमें ऑटम की इसमें बात हुई है, ऑटम का समय है जब इस कविता की रचना की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑटम सीजन इसमें जो है दर्शाया गया है, और चूंकि इस कविता की रचना 1803 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ कॉलरिज के साथ स्कॉटलैंड के टूर पर गए हैं, तब उन्होंने इस कविता की रचना की है। स्कॉटलैंड के टूर पर 1803 में डोरोथी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के साथ ऑटम का पतझड़ का वो समय है जब वो टूर पर गए हैं, और वहां उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, और ये कविता का जो प्रकाशन ईयर है दोस्तों, इसकी जो पब्लिकेशन डेट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1803 में इसकी रचना हुई है और इसका जो प्रकाशन हुआ है दोस्तों वो 1824 में हुआ है। 1824 में ये कविता पब्लिश हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1803 में लिखी गई, 1824 में इसको पब्लिश किया गया है। अब आगे एक फैक्ट आपको और इम्पोर्टेंट मैं दोस्तों बता देता हूं कि ये एक लिरिक है। आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि विच टाइप ऑफ पोयम इज सॉलिटरी रीपर। दोस्तों जरा एक फैक्ट आप जरूर करेक्ट कर लें, जो सॉलिटरी रीपर है वो 1803 में लिखी गई है और 1807 में ये पब्लिश हुई है। 1803 में लिखी गई, 1807 में ये पब्लिश हुई है, ना कि 1824 में। 1807 में पब्लिकेशन ईयर इसका याद रखिएगा, 1803, 1807। और ये एक लिरिक है दोस्तों, एक लिरिक है, और इस लिरिक में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, द पोएम इज ए लिरिक एक्सप्रेसिंग एन इंटेंस पर्सनल इमोशन। ये पर्सनल फीलिंग को, पर्सनल इमोशन को दर्शाता है। अब दोस्तों यदि मीटर की बात करें तो द मीटर ऑफ द पोएम इज आयम्बिक टेट्रामीटर। नोट कर लीजिएगा, इन दिस पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ यूज्ड द आयम्बिक टेट्रामीटर। तो टेट्रा, अगर मीटर पूछा जाए तो आयम्बिक टेट्रामीटर,
जेनर या प्रकार आपसे पूछा जाए तो इट इज ए लिरिक। कब पब्लिश हुआ है? 1803 में, सॉरी 1803 में लिखा गया है, 1807 में पब्लिश हुआ है। ऑटम के समय में ये स्कॉटलैंड के टूर पर गए हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ, कॉलरीज के साथ, और वहां स्कॉटलैंड में इट वाज़ द फर्स्ट टूर टू स्कॉटलैंड, और वहां इनकी मुलाकात सर वाल्टर स्कॉट से होती है जिनको हिस्टोरिकल नॉवेल का फादर कहा जाता है। तो ये जो फैक्ट्स हैं दोस्तों, हिस्टोरिकल नॉवेल का फादर कहा जाता है सर वाल्टर स्कॉट को, वहीं पर इस टूर के दौरान ही इनकी मुलाकात सर वाल्टर स्कॉट से होती है 1803 में। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको और बताना चाहता हूं कि बड़ी ही मेहनत से मैं आपके लिए ये सारी चीजें नोटिस करता हूं दोस्तों, इनको भी आप समझे, इस फैक्ट को भी आप समझे। ऐसा कहा जाता है कि इस टूर के दौरान विलियम वर्ड्सवर्थ ने खुद सॉलिटरी रीपर को देखा था, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच बात तो ये है जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि ये जो लाइन है इसकी इंस्पायरेशन कहां से मिली है वर्ड्सवर्थ को, उसको आपको मैं समझाता हूं। इट इज सजेस्टेड बाय ए सेंटेंस इन ए ट्रेवल बुक रिटन बाय वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। इसके विषय में, सॉलिटरी रीपर के विषय में एक सेंटेंस विलियम वर्ड्स को मिलता है जो उनके मित्र के द्वारा एक ट्रेवल बुक थी उसमें लिखा हुआ था, और उस फ्रेंड का नाम था दोस्तों थॉमस विल्किंसन। थॉमस विल्किंसन के द्वारा एक लाइन मेंशन की गई थी नोटबुक में, उस लाइन को इन्होंने पढ़ा है, उस डिटेल को, उस सेंटेंस को इन्होंने पढ़ा है, और उस डिटेल को पढ़ने के बाद उसको आधार बना करके इन्होंने इस कविता की रचना की है। मैं आपको वो सेंटेंस बताता हूँ, वो सेंटेंस क्या था जो लिखा हुआ था, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ये हैंड रिटन इनको मिलता है सेंटेंस नोटबुक में, और नोटबुक इनके फ्रेंड थॉमस विल्किंसन की थी, उसी को आधार बना करके इन्होंने इस कविता की रचना की है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, पास्ड ए फीमेल हु वाज रीपिंग अलोन, शी संग इन अर्स एज शी बेंडेड ओवर हर सिकल द स्वीटेस्ट ह्यूमन वॉइस आई एवर हर्ड, हर स्ट्रेन्स वर टेंडरली मेलनकोली एंड फेल्ट डिलीशियस लॉन्ग आफ्टर दे वर हर्ड नो मोर। तो दोस्तों ये वो सेंटेंस था, पूरा सेंटेंस जिसको उन्होंने पढ़ा है और इसके बाद इस कविता की इन्होंने रचना की है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके आपको बताता हूं, जो फैक्ट्स हैं उनको जरूर आप नोट कीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। आइए शुरुआत करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया यदि आपसे मीटर पूछा जाए तो आप जरूर बता दीजिएगा टेट्रामीटर, अगर इसका जेनर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि ये एक लिरिक है। कुल कितने स्टेंजा हैं दोस्तों, तो कुल इसमें 4 स्टेंजा का प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिएगा। या यूं कहिए कितने पार्ट हैं, तो 4 पार्ट इसके अंदर दोस्तों हैं। आगे देखिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब द रीपर्स सॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड, कौन सा वर्ड रीपर को इंडिकेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए इस कविता में प्रयोग नहीं किया गया है? तो मेलनकली, हाँ, प्रयोग किया गया है। थ्रिलिंग प्रयोग किया गया है। प्लेंटिव प्रयोग किया गया है। डेस्पेरिंग दोस्तों इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है कविता के अंदर, तो डी इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों। टू विच टू वर्ड्स सॉन्ग्स डज द स्पीकर कंपेयर रीपर्स सॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सॉलिटरी रीपर में किन पक्षियों के साथ सॉलिटरी रीपर के सॉन्ग की कंपेयर वर्ड्सवर्थ ने या पोएट ने की है। तो कौन कौन से वो पक्षी हैं जिनके साथ कंपैरिजन किया गया है? ए नाइटिंगल एंड ए कुकू बर्ड,
ए स्वेलो एंड ए फिंच, ए मैकिंग बर्ड मॉकिंग बर्ड एंड ए वार्बलर, ए क्रो एंड ईगल। दोस्तों सही आंसर है नाइटिंगल और कुकू बर्ड से उसके सॉन्ग की उसकी मधुरता की कंपेयर की गई है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाउ मेनी स्टेंजास आर इन द पोएम, इस पोएम में कितने स्टेंजा हैं दोस्तों? तो फोर स्टेंजास, एज आई हैव टोल्ड यू देयर आर फोर स्टेंजास। इस कविता में फोर स्टेंजास का प्रयोग किया गया है। और अगर दोस्तों बात करें कि कितनी लाइनों का स्टेंजा इसमें यूज किया गया है, तो मैं आपको बताऊं इसमें एट लाइन के स्टेंजे का प्रयोग किया है, यानी कि एट लाइन स्टेंजास आर यूज्ड इन दिस पोएम एंड देयर आर फोर स्टेंजा। कुल कितने स्टेंजे हैं दोस्तों? फोर, और प्रत्येक स्टेंजा जो है वो एट लाइन्स का है। तो अगर लाइन की बात करें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 32 टोटल लाइंस इसमें हैं। और इट इज ए लिरिक एंड रिटन इन टेट्रामीटर। अगर मीटर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों टेट्रामीटर का प्रयोग किया गया है। हाउ मेनी लाइंस आर इन ईच स्टेंजा इन द सॉलिटरी रिपर, तो देखिए दोस्तों यहां पर बड़े आराम से बता दिया है, अभी मैंने पहले आपको जानकारी दी थी 8। What is the reaper described as bending over in the last stanza in the solitary reaper? तो bending की बात जो हो रही है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था वो सेंटेंस में लिखा था कि वह अपने सिकल पर अपने हसीये पर झुकी हुई थी। तो D is the correct answer. Where is the reaper allegedly from the in the solitary reaper? So where is the reaper? ध्यान दीजिएगा, the English countryside, the Swiss Alps, the Irish coast, the Scottish highland. वो कहां से है, कहां से उसका संबंध है solitary reaper का, वो उसमें पूछा गया है दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर बड़ी सरलता से आपको मालूम है, सही आंसर है द स्कॉटिश हाईलैंड। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द सॉलिटरी रीपर। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।